ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर एक जातक के घर में वास्तु दोष होता है। उस वास्तु दोष के निवारण के लिए हम कई सारे प्रयास भी करते हैं। चूँकि हमने घर तो वास्तु के हिसाब से बनाया, लेकिन फिर भी हमारे घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है। जब से इस घर में आए या जब से इस घर में परिवर्तन किया, हमारे साथ कई सारी नेगेटिविटी होती है। या कई बार ऐसा होता है कि हम कई सालों से हमारे एक पैतृक घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोई ना कोई वास्तु दोष हमारे घर में हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे आपके घर में चाहे कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसे अगर आप समझ लेते हैं, तो आपके घर का वास्तु दोष 8 दिन 10 दिन 12 दिन में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप हमेशा के लिए सुख समृद्धि और आपकी उन्नति बन जाएगी। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहें। दूसरी बात है कि अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें। उसका फीस और उसका शुल्क लागू है दोस्तों। शायद आपकी कोई भी परेशानी का निवारण यहीं पर हो, सरल तरीके से, सकारात्मक तरीके से। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वास्तु दोष के पीछे एक सबसे बड़ी चीज़ होती है नेगेटिविटी। सबसे मेन ज़्यादातर जातकों के घर में जो अनुपयोगी कबाड़ है, उसे जितनी जल्दी हो घर से बाहर कर दो, क्योंकि अनुपयोगी कबाड़ हमारे घर में एक नेगेटिविटी लाते हैं, नकारात्मकता लाते हैं। क्योंकि हर एक वस्तुओं की अपनी एनर्जी है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वह नेगेटिव एनर्जी जब चीज़ें बंद पड़ी होती है तो उस वजह से घर में बहुत हो जाती है और उस वजह से हमें कई सारी परेशानी क्रिएट होनी। तो पहली चीज़ जो आपको सही करना है वो अपने घर से कबाड़ को दूर करना है। दूसरी बात, समय समय पर घर का रंग रोगन। आप अपने घर को हमेशा रेनोवेट करते रहे, रंग रोगन करते रहे अपनी हैसियत के हिसाब से। आप चूने से पोत दीजिएगा, आप मिट्टी से उसे छाप सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। जरूरी नहीं कि आपके लिए अलग से दिखावा हो, आप उसको साफ़ करें, उसको रंग रोगन करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा आप महीने में एक बार जरूर करें। अगर नहीं किसी ब्राह्मण से करवा सकते तो आप स्वयं भगवान का व्रत करके, उपास करके सत्यनारायण भगवान की पोथी का वाचन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा गुर और ब्रह्मा हस्त्र जो हमेशा किसी भी घर के चीज़ों को ख़त्म करता है, पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो। जैसे हमारा एंटर दरवाज़ा हो जहाँ से हम एंटर करते हो, और पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो लगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।